हेलो एवरीवन, पूनम सुक्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली में हम नमकीन तो बनाते ही अपने घर पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ चार टाइप की बहुत इजी सी नमकीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता नमकीन बनी है, रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है। तो चलिए जल्दी से नमकीन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्पेशल लेयर नमकीन। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कप मैदा। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल किया है इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए। आप अपने घर की किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आधी छोटी चम्मच लिया है मैंने अजवाइन। अजवाइन को अपने हाथों पर इस तरह से रगड़ते हुए डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे नमकीन में, खुशबू भी बिल्कुल अच्छी आती है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने आधी छोटी चम्मच ही लिया है नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक इसमें डाल दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इसमें 2 चम्मच डाल देती हूँ घी, और आप यहाँ पर घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनफ्लेवर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच घी बिल्कुल परफेक्ट है मोयन के लिए, इससे ज़्यादा आप इसमें ना डालें। और एक बात, मैंने यहाँ पर बड़े चम्मच का इस्तेमाल किया, यानी कि 2 बड़ा चम्मच घी डाला है। सभी चीज़ों को अच्छे से रगड़ते हुए एक दूसरे में मिलाएंगे, बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद जब अच्छे से मिल जाए, तो जब अपने हथेलियों पर रखकर इसे प्रेस करेंगे तो इस तरह से लड्डू की तरह बनेंगे। तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। अब हम इनका डो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी लिया है और इसमें से मैं यहाँ पर 2 चम्मच पहले पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिलाएंगे, और नमकीन को बनाने के लिए हमें टाइट डो की ज़रूरत होती है, तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना हमारा डो सॉफ्ट हो जाएगा। और हम ये जो आटा गूंथ रहे हैं, इसे हमें ज़्यादा नहीं मसलना है, बस जब ये बाइंड हो जाए तो हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से बाइंड हो गया है, तो अब हम इसे ज़्यादा नहीं गूंथेंगे। डो को बनाने के लिए मैंने 4 से 5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। हम इसे ढक देते हैं और 10 से 15 मिनट तक अच्छे से इसे रेस्ट होने देंगे। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो इसे हम ओपन कर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं डो काफ़ी अच्छे से फूल चुका है, और टेक्सचर आप अभी देख सकते हैं डो का इस तरह से हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं, ज़्यादा चिकना हमें इसे नहीं करना है, थोड़ा सा बस मसल लेते हैं इस तरह से, बिल्कुल देखिए, और देख सकते हैं आप अच्छे से चिकना हो गया है। अब हम इसका 2 से 3 भागों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डो का साइज अब अपने मनपसंद अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले लिया है और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच मैदा। हम यहाँ पर एक मिश्रण बनाकर तैयार कर रहे हैं, इससे हमारी निमकी बहुत ही क्रिस्पी बनती है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मैदा को इसमें डाल दिया है, और इसी के साथ मैं सेम क्वांटिटी में डालूंगी इसमें 1 चम्मच ही घी। घी की जगह आप यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाते हैं, और मैंने 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया था, तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा मिश्रण तैयार हो गया है, इससे हमारा निमकी काफ़ी क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर हमारा मिश्रण ये तैयार हो गया है, और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो अब इस मिश्रण को साइड में रखते हैं और नमकीन बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो लोई बनाया हुआ था, इसी को हम अच्छे से बेलते हैं इस तरह से। देखिए हमें इसे बहुत ही पतला बेलना है, जितना पतला हम बेल सकते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में इसकी थिकनेस भी दिखा दूंगी। तो ये देख सकते हैं आप, आराम से हम इसे धीरे धीरे बेलते रहेंगे, और जितना पतला हम इसे बेल सकते हैं उतना बेल कर तैयार करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इतना बड़ा बना लिया है, और इसका आप थिकनेस भी देख सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया बड़े में, और ये हमने जो मिश्रण बनाकर रखा था मैदे और घी का, इसे हम अच्छे से फैला देते हैं इस तरह से, इससे हमारी निमकी काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से फैला लिया है। इसके बाद हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से रोल करेंगे हम इसे, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे रोल कर लिया है, और थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं रोल करते हुए इस तरह से, आप देखिए। तो अब हमने इसे रोल कर लिया है, और अब हम इसे कट करेंगे। तो साइड से पहले ये जो एजेस है इसे मैं हटा देती हूँ, और इसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ। साइज आप अपने मनपसंद अनुसार यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैं इसे मीडियम साइज का ही रख रही हूँ, ज़्यादा बड़ा मैं इसे नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इनके यहाँ पर थोड़े थोड़े से लेयर्स बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको अपनी हथेलियों से दबा देंगे इस तरह से। तो ये बहुत इजी सा प्रोसेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हथेलियों से आपको यहाँ पर दबा देना है, जस्ट इसे उंगलियों का इस्तेमाल आपको दबाते हुए यहाँ पर नहीं करना है।
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से इसकी लेयर बनी है। तो अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे बेल लेते हैं लंबे शेप में। ये आप देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है। और इसके बाद मैं आपको इसकी लेयर्स को भी दिखा देती हूँ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं बेलने के बाद भी इसकी लेयर्स बिल्कुल बनी हुई हैं। हम इसे साइड में प्लेट में रख देते हैं और सभी को हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको भी बेल लिया है। इसी तरह से सभी को बेलकर प्लेट में रखते जाएंगे साइड में। और ये आप देख सकते हैं हमने अच्छे से सभी को बेल लिया है और लेयर्स आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से। तो इस तरह से हमारी लेयर्स बन गई है। इसके बाद मैंने यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था फ्राई करने के लिए निमकी को। थोड़ा सा डो डाल के देखेंगे, तेल काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो हम यहाँ पर एक एक करके अपनी निमकी को डाल देते हैं। अभी आपको यहाँ पर फ्लेम को हाई रखना है। हम जब सब निमकी को डाल देंगे तो अपने फ्लेम को लो मीडियम पे कर देंगे। तो देखिए धीरे धीरे जो निमकी है ये ऊपर उठती जा रही हैं। हमने अब सभी निमकियों को जब हमने डाल लिया है तो अपने फ्लेम को लो मीडियम कर दिया है। निमकी को हमें क्रिस्पी बनाना है तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे इसी तरह से लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे इनमें लेयर्स भी खुल रही हैं। और ये हमारा 3 से 4 मिनट के बाद निमकी देख सकते हैं अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। लो मीडियम फ्लेम पर हमने इसे फ्राई किया है और ये हमारे यहाँ पर निमकी बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। इसी तरह का हमें मार्केट में मिलता है निमकी इसी कलर का। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन पे कलर आ चुका है। हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने इसे प्लेट में सर्व कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप अच्छे से निमकी की जो लेयर है ये खुली है। और अब मैं आपको इनका रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए आप बिल्कुल खस्ता बने हैं, एक बार में ही टूट जा रहे हैं। इसी तरह का हमें मार्केट में मिलता है। नेक्स्ट रेसिपी हम बनाएंगे सूजी के नमक पारे। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप लिया है सूजी। सूजी को आपको यहाँ पर बारीक वाली लेनी है, लेकिन मेरी यहाँ पर बारीक नहीं है, मोटी सूजी है। तो सबसे पहले तो हम इसे बारीक करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ले लिया है और मैं इसमें डाल देती हूँ अपने सूजी को। मिक्सी में हम थोड़ा सा सूजी को चला लेंगे जिससे सूजी जो है अच्छे से बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी डाल दिया है और मिक्सर को बंद करके हम पहले सूजी को बारीक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने सूजी को बारीक कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच जितना नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है और अपने हाथों पर क्रश कर मैं डाल देती हूँ इसमें। अजवाइन से डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है, साथ ही इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दिया। इसी के साथ थोड़ा सा कलौंजी है, इसे भी मैं डाल देती हूँ इसमें। और अब मैं थोड़ा सा बीच में इसके होल बनाकर डाल देती हूँ इसमें मैं तेल। तेल हम यहाँ पर मोहन के लिए डाल रहे हैं 2 चम्मच। इससे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आप ना करें। आप इस रेसिपी में तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली रेसिपी में मैंने आपको घी के साथ बनाकर दिखाया था, तो इसलिए मैं आपको ये रेसिपी तेल के साथ बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तेल के साथ सूजी को मैंने अच्छे से मिलाया है। इस तरह से आप देखिए रगड़ते हुए हम इसे मोयन को मैंने अच्छे से मिला दिया सूजी के साथ। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें सॉफ्ट सा डो बनाना है। सूजी जो है वो पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, इस वजह से थोड़ी देर बाद सूजी टाइट हो जाता है। तो हमें इसके लिए सॉफ्ट डो बनाना रहता है और सूजी खुद से पानी को अब्जॉर्ब करके टाइट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने डो को बना लिया है और इस तरह से सॉफ्ट डो है। हम इसे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 1/2 घंटे बाद आप देख सकते हैं सूजी अच्छे से यहाँ पर पानी को अब्जॉर्ब कर चुका है, एकदम टाइट हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे मसल लिया है। डो इस तरह से बिल्कुल टाइट है। तो ये हमारे यहाँ पर डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर नमक पारे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने डो को इस तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब मैं इसे छोटे छोटे लोई बना रही हूँ। लोई का साइज़ आप अपने अनुसार बड़ा छोटा यहाँ पर रख सकते हैं या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे किस साइज़ का रखना चाहते हैं। तो देखिए मैंने इसे इतना बड़ा बना लिया है और एक चकले पर मैं इसे बेल रही हूँ। आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतना अच्छा। ये देख सकते हैं मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ। अब हम इसे नमक पारे के शेप में कट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से लंबे लंबे स्ट्रिप्स सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ। हम यहाँ पर डायमंड शेप बना रहे हैं तो इसे मैंने थोड़ा सा घुमा लिया और अब मैं इसे घुमाकर इस तरह से कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं शेप आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायमंड शेप का बना रहे हैं, इस वजह से मैं आपको डायमंड शेप में कट करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एडजेस को हम हटा देते हैं और ये हमारे यहाँ पर डायमंड शेप्स जो है वो बनकर तैयार हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस में चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें लो फ्लेम पर ही रखना है और जब भी हम कुछ खस्ता चीज़ बनाएं तो हमें लो फ्लेम पर ही उन्हें फ्राई करना रहता है। तो इस तरह से देखिए हम डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। हमने इसे पूरे लो फ्लेम पर ही फ्राई किया है जिससे कि ये खस्ता ज़्यादा तक बने रहेंगे। तो ये हमारा नमक पारी भी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे 1 महीने तक आराम से रखकर स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा नमक पारी बनेगा। तो चलते हैं अब अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर नमक पारे हमने फिर से बनाया है और ये काफ़ी अच्छे शेप में आपको दिख रहा है। तो हमने जो पिछला वाला नमक पारे बनाया था उसी का डो का इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। तो डो हमारा पहले से रेडी है और ये हमने चकले पर लोई ले लिया है और इसे हम बेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इतना बड़ा इसे बेल लिया। अब हम इसके इस तरह से 2 इंच की दूरी पर रखते हुए स्ट्रिप्स को कट कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 इंच के बीच में रखा है इसकी लेंथ को और इसके बाद हम इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टली भी काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए रेसिपी को और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर लिया, एजेस को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं और एक यहाँ पर मैं ले रही हूँ इस तरह से और यहाँ पर मैंने फोर्क ले लिया है। फोर्क के इस्तेमाल से हमें शेप को बनाने वाले हैं। तो इस तरह से फोर्क के पीछे साइड पर इसे रखेंगे और दबाएंगे थोड़ा सा, जिससे फोर्क का अच्छा सा शेप ले लेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो शेप आ जाता है। इसके बाद अब हम इसे सिर्फ रोल कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा शेप है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ईजी सा शेप है। ये आप देख सकते हैं हमारा शेप तैयार हो गया। इसी तरह से हम सभी को शेप दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा शेप बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। तो सबको सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर शेप देकर रेडी कर लेते हैं। तो देखा आपने, हम एक ही तरह के डो से कई तरह के नमक पारे बना सकते हैं। तो शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, टेस्ट तो सबका सेम ही रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इतने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल लो फ्लेम पर है, तेल अच्छे से गर्म है। इसके बाद लो फ्लेम पर कर दीजिए फ्लेम को और उसके बाद ये नमक पारे एक एक करके डालते जाइए। इसे भी बनने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे तो काफ़ी अच्छे खस्ता से नमकीन बनकर तैयार होते हैं। आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब मन चाहे आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और दिवाली में तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से लाइट गोल्डन कलर के हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस है, सभी को मैंने फ्राई कर लिया है और ये हमारे यहाँ पर नमक पारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने 4th रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि हम इस नमक पारे को किस तरह से बनाने वाले हैं। तो ये देखिए इसे मैंने रोज़ शेप का रखा है। दिखने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी है इसे बनाना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर 1 चम्मच लिया है हमने गेहूं का आटा और इसमें 1 चम्मच पानी डालकर हम इसका इस तरह से एक स्लरी बनाकर रेडी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो डो हमने बनाया था सूजी का, सेम डो है। एक लोई लेंगे और इस तरह से इसे बेलेंगे। इतना थिकनेस का मैंने इसे बेल कर रेडी किया है। तो इसके बाद मैंने एक छोटा सा कटोरी लिया है और इस तरह से मैं इसे कट कर लेती हूँ। आप इसके कट करने की जगह आप इसको कुकी कटर या फिर ग्लास के भी यूज़ कर सकते हैं। शेप आपके अनुसार है, आप इसे कितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं। मैंने इसे नॉर्मल साइज़ का रखा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बना लिया है, इतने सारे कट करके रखे हैं। और ये जो हमने गेहूं के आटे से बनाया है इसके कॉर्नर्स पे हम लगा लेंगे पहले वाले के और दूसरे वाले को इसके ऊपर रखकर चिपका देंगे ऊपर। सेम प्रोसेस से इसी के ऊपर दूसरे वाले के ऊपर तीसरे को चिपका देंगे और अब हम इसे रोल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी है इस रोल को बनाना और अपने हल्के हाथों से मैंने इसे किया है रोल और लास्ट में हम यहाँ पर ये स्लरी लगाएंगे और चिपका देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं रोल शेप यहाँ पर बन चुका है, हम इसे बीच से कट कर देंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमारा रोज़ शेप बनकर तैयार हो गया। कॉर्नर्स को हम जिस तरह के रोज़ के पंखुड़ी जिस तरह से खुले हुए होते हैं उस तरह से हम इसे खोल देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो ये हमारा बन गया है रोज़ शेप। सेम इसी तरह से मैं आपको और एक बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए पहले के ऊपर दूसरे को चिपकाया है, दूसरे के ऊपर तीसरे को चिपका दिया है स्लरी की मदद से और अब हम इसे दबाते हुए थोड़ा सा रोल कर देंगे। हल्के हाथों से आपको यहाँ पर इसे रोल करना है। तो इसे हमने रोल कर लिया और लास्ट में यहाँ पर स्लरी को लगाएंगे और इसे चिपका देंगे। तो देखिए अब बीच से कट कर देते हैं और ये हमारा रोज़ शेप तैयार हो गया। सेम प्रोसेस से हम सभी रोज़ शेप को अपने बनाकर रेडी कर लेंगे। थोड़े से इसके पंखुड़ी को मैं खोल देती हूँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हमारा रोज़ शेप बनकर तैयार हो गया है। सभी को मैंने इसी तरह से बना लिया। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। सेम प्रोसेस से फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं
मैं एक एक करके डाल देती हूँ इसमें, और 5 से 6 मिनट लगेगा इन्हें फ्राई करने में। थोड़ा सा इन्हें अलटते पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेते हैं, और देखिए ये लाइट गोल्डन कलर का हो गया है 5 से 6 मिनट के बाद, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। और ये जो रोस्ट शेप है ये खुले भी नहीं है तेल में तलते समय, क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का स्लरी लगा दिया था। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, और ये हमारा ये भी तैयार हो गया। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला और चिली फ्लेक्स से मैं इसे सर्व कर देती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में, आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। तो जो मैंने आप लोगों को आज 4 तरह के नमक पारे बताए हैं, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। आप इन्हें बनाकर रख लीजिए और 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, रिजल्ट आपके बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बनते हैं और आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। तो इस दिवाली में आप इन नमकीन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, और आप सभी को हैप्पी एंड सेफ दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।